Hello, my dear students. I am S.K. Singh. I will teach you textbook for class 6. The textbook name is Honey Skull. Honey Skull. This textbook belongs for class 6. Honey Skull. The textbook name is the Honey Skull. Publication NCERT publication. Dear student, CMS Trust Education की तरफ से Honey Skull नामक textbook क्लास 6 के लिए लगाई गई है. आज मैं इस टेक्स्ट बुक का जो लेसन फर्स्ट है इसका, उसके बारे में मैं अपने सभी प्रिय छात्रों को बताऊंगा. लेसन वन, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, अंडरस्टैंड. लेसन वन जो आपका है फॉर क्लास 6 इन इंग्लिश में हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, मतलब हुआ पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया. पैट्रिक का होमवर्क किसने किया. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, या पैट्रिक का होमवर्क कौन किया. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. तो द टाइटल ऑफ दिस लेसन, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. The title of this lesson, Who Did Patrick's Homework? And word meaning in this lesson, first meaning Nintendo. Nintendo एक प्रकार का वीडियो गेम, एक प्रकार का वीडियो गेम. सेकेंड मीनिंग है enormous अज्ञानी मनुष्य, या अल्प ज्ञान वाला मनुष्य, या अज्ञानी मनुष्य. थर्ड मीनिंग है ब्रीचेज, छोटा पैजामा और बरमूडा और हाफ पैंट भी कह सकते हैं. ब्रीचेज मीन्स छोटा पैजामा. And fourth meaning, this cloth means भद्दे कपड़े, रफ कपड़े, बर्तन साफ करने वाले कपड़े, इस प्रकार आप कह सकते हैं. भद्दे कपड़े जो देखने में सुटेबल ना लगे. And fifth meaning, hamper. फिफ्थ मीनिंग आपका है हैम्पर. हैम्पर मीन्स होता है ढक्कन वाली टोकरी, ढक्कन वाली जिस टोकरी में या जिस डलिया में ढक्कन लगा हो उसको हम कहते हैं हैम्पर. एंड सिक्स मीनिंग है ग्रीमेस्ड, मुंह बनाना. ग्रीमेस्ड, मुंह बनाना. एंड सेवंथ मीनिंग आपका है ग्लिच मीन्स समस्या. एंड एट मीनिंग है आपका श्रिग्ड, चीखना. श्रिग्ड मीन्स चीखना. इस प्रकार ये वर्ड मीनिंग
जो जिसकी हिंदी मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश मीनिंग इसकी बुक में लिखी हुई है, उसको आप बुक से लर्न कर लीजिएगा और साथ में हिंदी मीनिंग भी है। इसीलिए हमने बता दिया कि हिंदी मीनिंग भी लर्न कर लीजिएगा। और बुक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हम दे रहे हैं, जो बुक का लेसन है, जो लेसन फर्स्ट आपका है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी रिकॉर्ड या होमवर्क नहीं करता था या नहीं किया। लेकिन यहाँ का जो आशय होगा, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं किया, अंडरस्टैंड, टू बोरिंग, अंडरस्टैंड स्टूडेंट, टू बोरिंग, पैट्रिक को गृह कार्य या होमवर्क टू बोरिंग लगता था। टू बोरिंग मीन्स बहुत ही उबाऊ लगता था। जैसे कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट को अक्सर होमवर्क करना बड़ा उबाऊ लगता है, उसी प्रकार पैट्रिक जो स्टूडेंट्स है, इस लेसन का जो मेन आपका कह सकते हैं हीरो है, वो क्या है, पैट्रिक है। पैट्रिक कैसा बालक था, यहाँ शुरुआत में वो होमवर्क पसंद नहीं करता था, उसको बहुत बोरिंग लगता था। इस प्रकार का इस सेंस पर आधारित या लेसन है। ही सेड मतलब उसने कहा क्या कहा कि उसे होमवर्क बहुत उबाऊ लगता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केट बॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इसके बजाय पैट्रिक को हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो नामक खेल खेलना या गेम खेलना अच्छा लगता था, बढ़िया लगता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके अध्यापक ने उसको बताया, या उसके अध्यापक, ही टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क, उसके अध्यापकों ने उससे पूछा, पैट्रिक डू योर होमवर्क, क्या आपका होमवर्क हो गया है, क्या आपका होमवर्क हो गया है, आर यू बोन लर्न आ थिंग, क्या तुम उन चीज़ों को सीख लिए हो, क्या तुम उन चीज़ों को सीख लिए हो। इस प्रकार का आशय इस लेसन में आएगा, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी यही बुक चलेगी और वर्ड मीनिंग और इस लेसन के बारे में स्टडी कर लेना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।